कि आप बार बार एक ही तरह की गोभी खा के परेशान हो गए, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, यानी कि शादी में बनने वाली गोभी, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको आज वो बनाना सिखाएंगे। शादी वाली गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और दूसरा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे शादी वाली गोभी बनने वाली है, और वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ली है, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आपको भिगो के रखना है पानी में, ताकि इसकी कड़वाहट मिट जाए, और यही हमारी गोभी को एक अच्छी स्मेल और टेस्ट प्रोवाइड करवाएगी। हमारा तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें प्याज डालने वाले हैं और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करने वाले हैं। जैसे ही हमारे प्याज लाल हो जाएंगे, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा मसाला, एक चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची आप अपने तीखेपन के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे टमाटर और मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पकने दें। हमारा मसाला भुन रहा है, इसमें हम नमक डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इसमें हमारी ये गोभी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने देंगे, तब तक गोभी पूरी पक नहीं जाती। पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो गोभी को फ्राई भी कर सकते हैं और आलू को भी फ्राई कर सकते हैं, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। और आपने देखा हमने कितने कम इंग्रेडिएंट में नॉर्मल वाले हमारे घर से हम शादी जैसी या रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी बनाने वाले हैं। हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कसूरी मेथी और भिगोई हुई, जिसको हमने 15-20 मिनट भिगो के रखा था, और अब हम इसे मिला देंगे और ढककर रख देंगे। पानी आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं सब्जी में। और अब मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट यानी कि धनिया।